देखो ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये टूटता है ना, और यहाँ पे लाइन भी आ गई, वो अलग ही नहीं रहा है। उसके कम से कम 3-4 लीटर पानी आ जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं है क्योंकि इस पे कम मार्जिन होगा, इसका कलर भी अलग ही है। स्टीयरिंग ऑयल तो पूरा लगता है खराब हो गया, देखो 1-2 लाख पे चेंज कर रहा हूँ मैं, मेरे अंदाज में। तो अंकुर कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक फिर नई एक वीडियो लाए अपनी इंडिगो सीएस पे। आज हम कराएंगे इसकी सर्विसिंग, और ये सर्विसिंग नॉर्मल नहीं है, ये मेजर सर्विस, बहुत मतलब बड़ी सर्विस है ये। और गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टार्टिंग थोड़ी लेट हो रही, लंबा सेल्फ ले रही गाड़ी, और थोड़ा हमने पिछली बार रेस कम कर दिया था, तो थोड़ा उस वजह से लोड भी 1st-2nd gear में कम ले रही है इसी में। और मैं आपको प्रोडक्ट बता दूं क्या क्या लेके आया हूं। तो देखिए ये लेके आया हूं मैं सेल की 15W40 डायनेमिक प्रोटेक्शन API CI 4+, 5 लीटर 5.5 डलता वैसे तो, लेकिन कुप्पी इसकी आती है 5 की, 2,3700। तो ये मुझे पड़ी है 1,550 की, MRP पता नहीं कुछ भी डाल देते हैं ये लोग। और ये मैट लाया था नॉन स्लिप मैट टोयोटा की, एक वो आगे रखी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये काफ़ी बड़ी है उससे, और ये टोयोटा की है, बहुत बढ़िया लगी। यहाँ मोबाइल रख दो, स्लिप नहीं होगा लेफ्ट राइट करने में। और उसके बाद ये लाया था बहुत सर, बारिश का टाइम आ रहा है ना, 17 रुपये का दिया ये, इसको यहीं पटकते हैं पहले। हाँ रीडिंग बता दूँ आपको भाई, तो अपनी गाड़ी चली है अभी, गाड़ी चालू एसी में चालू करके बैठा हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप, 1,34,855। और पिछली सर्विसिंग हमने कराई थी 1,27,529, मतलब 7,000 चल गई है, 7,000 करीब चल गई है, इतने पे ही करा लेता हूँ मैं सर्विस। और ये मैं लेके आया हूँ कूलेंट, ये है भाई वर्डाल का प्रोटेक्ट B14, और ये ग्रीन वाला है, ग्रीन नहीं ब्लू टाइप का जो आता है ना वो है। इसकी MRP है 400, लेकिन मुझे दिया है भाई 150 रुपये में, पता नहीं भाई MRP इतनी ज़्यादा। बढ़ डाली USA की कंपनी, ये दिखा दूँ, ये USA, ये देखिए ठीक है। इसके बाद और दिखाता हूँ, ये बेल्ट है भाई अल्टीनेटर का 424 रुपये का, और इसका पार्ट नंबर आप इसमें नोट कर लीजिए, बुडमो की लिंक भी दे दूंगा मैं इसकी। ये भी चेंज कराएंगे, अल्टीनेटर का है या AC का मैं ऊपर कन्फर्म नहीं। ये एक और बेल्ट है टाटा का, इसका पार्ट नंबर, हाँ ये देख लीजिए पार्ट नंबर लिखा हुआ है। ये भी बेल्ट साथ है, AC का है या अल्टीनेटर का, 434 का है, मुझे कुछ 400 का दिया है। ये इसका नेट का वो है, इसको देखते हैं। और भाई ये पहली बार देख रहे होगे आप YouTube पे, ये स्टीयरिंग ऑयल का फिल्टर है, आपको क्या सर्विसिंग में किसी ने दिखाया नहीं होगा, स्टीयरिंग ऑयल में भी फिल्टर लगता है, 233 रुपये का। इसका पार्ट नंबर देख लीजिए, ये लिखा है G269946, यही पार्ट नंबर है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वुडमो का दे दूँ। तो अपना ये भाई ऑयल फिल्टर, पूरा टोटल सामान में टाटा जेनुअन डालता हूँ भाई, कोई आफ्टर मार्केट नहीं, ना TVS ना डेल्फी ना कुछ। इसका पार्ट नंबर भी लिख लीजिए, 192 रुपये का ये ऑयल फिल्टर टाटा। उसके बाद ये भाई डीजल फिल्टर, 2 लगते हैं इंडिगो सीएस में टाटा मोटर्स। अब इनका पास 12-10 का सेट आता है, तो एक एक बॉक्स नहीं आता इसके लिए, इसका बॉक्स नहीं है, लेकिन इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पार्ट नंबर से, फिर लिखा रहता होगा कहीं पार्ट नंबर। हाँ ये इस पे लिखा रहता है भाई, ये पन्नी पे कहीं दिख रहा होगा। और उसके बाद भाई स्टीयरिंग ऑयल, हाँ स्टीयरिंग ऑयल 1 लीटर का मिला नहीं तो 0.5 लीटर लिया कैस्ट्रोल का, ये देखिए। और ये दोनों पड़े मुझे कूलेंट 200 का एक है, लेकिन 380 के दोनों दे दिए भाई, मैन्युफैक्चर डेट भी देख लीजिए 1/2022। और ये ग्रीस मेरे थोड़ा काम के लिए लाया था, मैं DIY करता रहता हूँ ना कुछ, ये ग्रीस लेके आया। और कुछ बचा है क्या भाई? हाँ ये इसकी डीजल फिल्टर की ओरिंग, ये भाई ये है बिल अपना पंडित का, पंडित वाले से ही लेते हैं, पर स्पेयर टाटा स्पेशलिस्ट है भोपाल मध्य प्रदेश में, ये देखिए। तो मोबाइल नंबर तो नहीं लिखा ना मेरा, हाँ ठीक है भाई। वो आप करते हैं भाई गाड़ी की सर्विसिंग चालू फटाफट से। कूलेंट यार, कूलेंट एक ही लाया मेरे को, एक ही मिला था, और लेके आऊँगा तो अभी कूलेंट की सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा।
पहले आपको स्टार्टिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए चाबी ऑन करी मैंने, ठीक है, उसके बाद सेल्फ देखिए, अजीब सा सेल्फ स्टार्ट हुई ना एक बार और, ऐसे हो रही नहीं तो पहले आधे सेल्फ में ही होती थी आधी चाबी घुमाने पे। अब दिखाते हैं दीपक भाई को, फिर देखते हैं। दीपक भाई पानी पी रहा है ये देखिए, अब लेते हैं ट्रायल अपन। सही हो रही है, एकदम झटका अजीब सा लेती है जैसे कि पूरा ड्रिजल उसको सही से मिला नहीं हो, इतने लंबे सेल्फ लेती, पहले तो आधे में ही हो जाती थी कभी वो कभी कभी बहुत लंबा। तो दीपक भाई अभी गाड़ी का इन्फेक्शन कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो गाड़ी को अभी लिफ्ट कर रहे हैं ताकि डीजल फिल्टर ऑयल फिल्टर निकाल सके। तो डीजल फिल्टर की बॉडी को साफ करती हुए एयर फिल्टर हम पुराना ही लगाएंगे क्योंकि इतना गंदा नहीं हुआ और टाटा जेनुआ नहीं, तो अभी और चलेगा, 5-6 हज़ार बाद में खुद चेंज कर दूंगा। तो ये है अल्टीनेटर बेल्ट, तब से मैंने गाड़ी लिया आज तक चेंज नहीं कराया और 9 साल में ये खराब हो चुका है, कहीं कहीं क्रैक भी आ गए इसमें, आपको अभी दिखाऊंगा मैं वीडियो में। एसी का बेल्ट है ये वाला, तो हल्के हल्के क्रेक आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये दीपक भाई बता रहे हैं, ये देखो ये कट लगा हुआ यहाँ पे, ये टूटा है ना। और उसके बाद और दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये लाइन आ गई इस पे, ये कभी भी टूट के टाइमिंग बेल्ट में फंस सकता है और टाइमिंग आपकी आउट हो जाएगी, जैसे ये टूट के टाइमिंग बेल्ट में फंसेगा तो टाइमिंग के आउट हुई और आपने सेल्फ मारा, पूरे बाल वाल सब टेढ़े हो जाएंगे, इंजन सीज हो जाएगा। तो पुराना ऑयल फिल्टर खोलते हुए देख सकते हो आप, जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर पर मेंशन किया हुआ है कि 7500 किलोमीटर पे आप चेंज कर दें इसे। और उसके बाद मैं नए वाले को दिखाता हूँ, ये भी टाटा जेनुइन, ये देखो इस पे लिखा एवरी 10,000 किलोमीटर नए वाले पे। तो न्यू ऑयल फिल्टर की अब फिटिंग होने जा रही है, हो ही रही है, मतलब देख सकते हो, जैसे मैंने वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ सर्विसिंग की, ये थोड़ी मेजर सर्विस थी इसलिए इसकी वीडियो बनाना जरूरी। तो ये है चैम्बर का ड्रेन बोल्ट, यहाँ से के पुराना ऑयल निकलेगा, दीपक भाई उसी को खोल रहे हैं। दीपक भाई स्पेशलिस्ट थे हेड मैकेनिक टाटा मोटर्स, वीर जो होशंगाबाद रोड पे वीर मोटर था ना, उसी के हेड मैकेनिक। यदि आपको इनसे सर्विस करानी हो तो आप 11 मील के आगे एक इंडियन पेट्रोल पंप है, उसके सामने पावर पॉइंट है, दीपक भाई वहीं मिलेंगे। भाई अब ब्रेक पेट की सर्विस हो रही है, थोड़ा रेगमाल लगा के घिसेंगे, थोड़ा साफ कर देंगे, सर्विसिंग मेजर सर्विस यही होती है। ये अपने न्यू वाले अल्टीनेटर और एसी का बेल्ट है जो टाटा जेनुइन है, इनकी इंस्टॉलिंग हो रही है, अब दीपक भाई ने इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए टाटा लिखा है, माइक्रो वी पार्ट नंबर भी लिखा साथ में, इनको अब फिट कराएंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे 5-6 साल, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अगले 10,000 किलोमीटर बाद अपन इसका टाइमिंग बेल्ट भी चेंज कराएंगे, तो उसकी वीडियो सेपरेट अलग से बनेगी। तो आप बता सकते हो ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है भाई स्टेयरिंग ऑयल पुराना वाला, हाँ फिर नया वाला डालेंगे तब उस अलग से दिखाएंगे। इसकी कहानी खत्म, पुराना निकलते हुए बहुत सालों बाद निकल रहा है भाई। यही है वो डब्बा जिसके अंदर स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर लगता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, दीपक भाई ने बताया कि आप स्टेयरिंग ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी लेके आना, पहली बार भाई मैंने यूट्यूब पे भी नहीं देखा आज तक, इसमें अपना स्टेयरिंग ऑयल फिल्टर, ये पुराना वाला ये देख सकते हो आप, फिल्टर है भाई, ये दिखा दूंगा क्या लिखा है इस पे, ये ऑयल वाली है।
ये आप देख सकते हो, ये इस पे लिखा है राने 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 बनाता है ये स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर, जो कि टाटा की पैकिंग में हमने जो नया लेके आया वो भी सेम राने है। ये देखिए वो थोड़ा सिल्वर कलर का था जो पुराना गाड़ी में से निकला है, और नया डाल रहे हैं वो थोड़ा सा गोल्डन टाइप में, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अभी दिखाऊंगा इस पर भी राने लिखा है। ये देखिए भाई राने राने का है। ये है भाई अपना सेल का ऑयल, और इस पर पैकिंग पे कुछ लिखा नहीं है सेल एल, सिर्फ सिल्वर कलर का वो लगा था जो भी उसकी पैकिंग थी। अभी अपन इंजन ऑयल में मतलब इंजन ऑयल डाल रहे हैं, 5 लीटर है कंपनी में डलती 5.5 डलता है, लेकिन अब 55 की आती है अब अलग से फोन डाले, जब इंजन पूरा बनता है ना तब डालो 5.5 लीटर, क्योंकि इंजन में भी कुछ रह जाता होगा अंदर, इसलिए। तो बचा कुचा स्टीयरिंग ऑयल भी निकालेंगे, स्टार्ट करके निकलेगा वो, बाकी वैसे ही निकल गया, पाइप निकाला था नीचे से, अब स्टार्ट करके निकालेंगे स्टीयरिंग ऑयल। सकते हो आप ये बिल्कुल चकाचक कर दिया अपने स्टीयरिंग ऑयल का बॉक्स, अब इसमें ऑयल फिल्टर लगाएंगे फिर न्यू ऑयल डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो नया वाला हम फिल्टर डालना है स्टीयरिंग ऑयल का, ये से डाल दिया और भाई दीपक भी इसे कसेंगे फिर इसमें ऑयल डालेंगे। कितने पे वैसे चेंज होता है ये फिल्टर? ये होता है 1 लाख। 1 लाख जब भी अपन ये चेंज कर रहे हो ऑयल तो बदल दो। ऑयल चेंज कराने से कोई मतलब नहीं, पहली बार पता चला किसी ने बताया ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कैस्ट्रोल के स्टीयरिंग ऑयल पे कैस्ट्रोल की सील लगी है बिल्कुल, मतलब ये जेन्युइन, ये ऐसा होना चाहिए, जिसमें नहीं लगी हो ना कैस्ट्रोल में कूलेंट, ये सही आ रहा है इसका, गियर ऑयल हो गया। बहुत से लोग रखते नहीं है क्योंकि इसको कम मार्जिन होगा, इसका कलर भी अलग ही है। एक HP का भी आता है स्टीयरिंग ऑयल, लेकिन इसका कलर और क्वालिटी थोड़ी कैस्ट्रोल उससे HP से अच्छी है कैस्ट्रोल की, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब बारी है कूलेंट की, देखिए कूलेंट ड्रेन हो रहा है, तो कूलेंट पुराना वाला निकल रहा है, हमने ये पुराना वाला तो ग्रीन टाइप का आता है ना वो डाला था, एकदम वो पहले ग्रीन वाला आता था वो बेकार कूलेंट रहता है, ये वाला ठीक है, लेकिन अब मैं लाया हूँ ब्लू वाला, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। भाई अब डालते नया वाला कूलेंट पर डालकर इसके ऊपर सील देखते हैं क्या लिखा है भाई, देखिए इसके ऊपर डब्बा ले लेंगे ना, अच्छा है कूलेंट, एक नंबर सस्ता भी और बढ़िया है, पैकिंग भी इसकी अलग ही है, मतलब दूसरे कंपनी के मुकाबले। देखो अलग ही नहीं रहा है, उसके कम से कम 300 लीटर पानी आ जाएगा। अच्छा अच्छा भैया 1 लीटर का 5 लीटर बन जाएगा देखो। भाई अब नेक्स्ट स्टेप है रियर वाले जो पहिए हैं वो बाहर निकलेंगे और ड्रम वगैरह साफ करेंगे, अपन लाइनर वगैरह भी साफ होंगे, आगे के हुए थे ब्रेक वगैरह चेक होंगे, अब क्या गियरिंग एयरिंग सब चेक करेंगे। दीपक भाई ये देखिए सही है, अभी ब्रेक सही है, ब्रेक अच्छा, ब्रेक किट तो रखी है इसकी, ब्रेक शू की मतलब ये ब्रेक शू रखे, मैंने मंगवा लिया था, पता चला कि वो खराब ही नहीं,
नहीं उसने नहीं, मैंने कहीं ऑनलाइन मंगवाया था बुडुमो, तो मैंने सोचा एक में ही किट में चारों आते होंगे, चारों आते तो दो ही निकले उसमें। दोनों सिलेंडर इसके है ना, दोनों व्हील सिलेंडर, लाइनर, ब्रेक लाइनर, व्हील सिलेंडर में राइट और लेफ्ट आता है ना। हाँ अच्छा, अलग अलग आता है, राइट लेफ्ट, राइट अलग लेफ्ट अलग, और बेयरिंग दोनों। सर्विसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ बिल कैप लगाना बाकी है, बाकी फुल एंड उल एंड स्टेयरिंग ऑयल वगैरह सब चीज चेंज हो गया। अब थोड़ा सर्विसिंग होने के बाद ट्रायल ले रहे हैं हाईवे का अपना। ये आपने देखा, हमने सर्विस अभी करा चुके हैं और गाड़ी अपनी बहुत बढ़िया चल रही है, और उनने बता दिया कि आपको अगली सर्विस में क्या क्या चेंज कराना है। तो पिछले गियर टायर में मेरे को ब्लैक ब्रेक लाइनर दोनों चेंज कराना है, और जो मास्टर सिलेंडर बोलते हैं ना, सिलेंडर जो टीवीएस का लगा है, वो दोनों चेंज कराना है क्योंकि वो हो रहे हैं जाम। और उसके बाद जो उसके नट रहता है बीच वाला, जो बड़ा नट रहता है चारों नट के बीच में, वो दोनों नट भी चेंज होंगे, और फ्रंट में कैलिपर पिन चेंज होगी थोड़ी सी, वो उनकी रबड़ वगैरह खराब हो गई है, और गियर ऑयल भी चेंज होगा नेक्स्ट सर्विस में। इस सर्विस में जैसे कि आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या चेंज कराया है, गाड़ी का थोड़ा सा हल्का सा आरपीएम बढ़ा है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा घुट रही थी एसी में, बार बार बंद होने लग रही थी सेकंड गियर पे। वैसे एवरेज अच्छा दे रही थी हाईवे पे, 22 का एवरेज दे रही थी, लेकिन मेरे को लोकल में ज़्यादा चलता हूँ तो मैंने हल्की सी उसकी रेस बढ़ा ली। और ऐसी अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, वीडियो आती रहेंगी इसकी मॉडिफिकेशन की, सर्विसिंग भी, जो भी प्रॉब्लम होगी सब पे वीडियो आएगी इसकी। और ये दीपक भाई का जो गैरेज है, ये अपना मध्य प्रदेश भोपाल में होशंगाबाद रोड पे है, 11 मील के पास इंडियन पेट्रोल पंप के सामने। ये वहीं जा रहा हूँ मैं, मतलब मैं भोपाल की ओर जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ये सर्विसिंग की रीडिंग देख लीजिए जो मैंने अभी कराई है। कूलेंट भी बहुत बढ़िया निकला है बर्डाल का, और अगली बार हो सके तो बर्डाल का ही ऑयल डालेंगे अपन। इसकी वीडियो देखना है, गियर लीवर की तो सेपरेट बनी रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।